हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे जो आपकी यूनिट 1 का सेशन 2 है। इससे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में जान चुके हैं, अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। जब हम शब्दों का उपयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो वह वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। मोस्टली पीपल खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इसी मेथड का यूज़ करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप होती हैं, पहली ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन, दूसरी रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना, टॉकिंग ऑन फोन यानी फ़ोन पर बात करना, क्लासरूम टीचिंग या बिजनेस मीटिंग, स्पीच देना एट्सेट्रा। वहीं रिटन कम्युनिकेशन जैसे पेपर पर लिखना या लेटर लिखना, नोट्स लिखना एट्सेट्रा। उसके अलावा SMS सेंड करना फ़ोन के थ्रू, यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज़ थॉट्स, ठीक है, यानी ईमेल्स के द्वारा न्यूज़ को शेयर करना, तो अपने थॉट्स को शेयर करना। बुक्स एंड न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है ईजी एंड क्विक, यानी वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ईजी एंड क्विक मैथड है। सेकेंड, चेंजेबल एज पर अदर्स रिप्लाई, यानी दूसरों के रिप्लाई के अनुसार परिवर्तनशील है। थर्ड, मोर रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन का अधिक विश्वसनीय मेथड है। फोर्थ है फ्लेक्सिबल एंड इफ़ेक्टिव फॉर ऑल, ये सभी के लिए फ्लेक्सिबल यानी लचीला है और इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है चीपियर वे ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ये सबसे सस्ता तरीका है। नेक्स्ट है इट सेव्स टाइम इन कम्युनिकेशन, ये हमारे टाइम को भी सेव करता है। लास्ट एडवांटेज है इजी फॉर प्रिपरेशन, जैसे हम स्पीच देते हैं तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करने में इजी मेथड है ये। अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी जब दो डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उनकी भाषा भी अलग ही होती है, जिस कारण रिसीवर को सेंडर की बात समझने में प्रॉब्लम होती है। सेकंड है नो रेक्टिफिकेशन, यानी जो बात हमने कह दी हम उसके अंदर फिर बदलाव नहीं कर पाएंगे। थर्ड है चेंजेस ऑफ लैक ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में बदलाव की कमी का होना। फोर्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी इसके अंदर गलती की संभावना रहती है। लास्ट है डिस्ट्रॉयशन ऑफ द एक्चुअल मैसेज, यानी एक्चुअल मैसेज का वास्तविक मैसेज जो होता है उसका सही रूप में रिसीवर तक ना पहुंच पाना भी एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस, यानी ज़्यादातर लोग क्या होते हैं जब वो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, लोगों के सामने बात करते हैं, तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो टू गेट ओवर नर्वसनेस यू कैन यूज़ द 3 P's मेथड, यानी उनकी नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए आप 3 P's मेथड का उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये 3 P's हैं प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। सबसे पहले हम प्रिपेयर के बारे में बात करेंगे। प्रिपेयर में कुछ बातें शामिल होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए या फिर उनका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट होता है टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड, लिसनर्स की आवश्यकता के अनुसार ही टॉपिक्स को चुनना चाहिए। थर्ड, यह सबसे अच्छा तरीका है उस टॉपिक के बारे में सोचना जिसे लिसनर अच्छे से समझ पाएंगे। फोर्थ, आप जो प्लान कहेंगे या जो योजना बनाई है आपने उसके बारे में कहेंगे, उसके बारे में लिखना। अब बात करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जो बातें शामिल हैं उसके अंदर सबसे पहले मिरर में देखकर खुद से बातें करने की प्रैक्टिस करना। सेकंड है फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने बात करना और फिर उनसे पूछना कि आपके बोलने के बारे में वे क्या सोचते हैं। थर्ड, क्लियर एंड लाउड बोलने का अभ्यास करना, और आपके बोलने की गति ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। अब बात करते हैं परफॉर्म की। फर्स्ट है यदि आप नर्वस होते हैं तो गहरी सांसें लें। सेकंड, आपके द्वारा तैयार की गई बातों को याद करना और कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बोलना शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पब्लिक स्पीकिंग के 3 P's के बारे में जाना। आज इस क्लास में हमने वर्बल कम्युनिकेशन
क्या है उसके बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जाना एंड पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेशन 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।